तो बाजारों में प्याज के बढ़ते दामों ने अब लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, रसोई का बजट हिला दिया है। लगातार प्याज के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर हमारे संवाददाता ने दुकानदारों और ग्राहकों से दोनों से बात की, सुनवाते हैं। अब जो 15 दिन से जो लगातार जो रेट बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है कि या नहीं तो बम्पर स्टॉक खोली नहीं गई है या नहीं तो उपज कम हुई होगी। यही दो कारणों की वजह से ये प्याज महंगी हो रही है। दुकानदारी पे किस तरीके? दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है जी। जो 5 से 10 कट्टे रेगुलर बिकते थे, आज 5 कट्टे भी नहीं बिक पा रहे हैं। प्याज 20 रुपये का तो दे ही नहीं रहे साहब। कितने रुपये किलो चल रहा है? प्याज 60-70 रुपये किलो दे रहे हैं। कितनी रसोई का रेट बिक रहा है आपका जिस तरीके? भाई इतने में तो आदमी मर जाए, गरीब आदमी तो लेना भाई। तो रेट सुनते क्या हम नहीं लेके जाऊंगे ना? अब कहाँ 20 को दे ही नहीं रहे तो कहाँ से ले जाएंगे। टमाटर के बाद अब प्याज ने लोगों के आंसू निकलवा दिए हैं, क्योंकि आपको बता दें पहले 30 रुपए का बिका करता था बाजारों में मंडियों में, लेकिन अब 70-80 रुपए इसका रेट हो चुका है। लोग यहाँ पर काफी आ रहे हैं, रेट पूछते हैं, वापिस रख देते हैं और उसके बाद आगे दूसरी सब्जियां लेने चले जाते हैं। प्याज हालांकि बहुत जरूरी भी है, हर सब्जी में डलता भी है, लेकिन लोग मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोग भी जो है काफी ज्यादा निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं मंडी में यहाँ पे जो है फिलहाल हालांकि इस समय खाली जरूर है, मंडियों में रौनक इतनी नहीं है, लेकिन लोग भी जो है काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक समय पर टमाटर थे जो 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए तक हुआ करता था, क्या रेट चल रहा है प्याज पता किया? प्याज 70 था तो कम दिन नहीं, एक छिले प्याज था, मैं गरीब आदमी में अपने उस हिसाब से लेने लग गया, मगर जी ये भी 70 लगेगा। अरे मैं कम से कम इसका तो रेट कर दे, इसका तो रेट कम कर दे, क्योंकि 60 से कम नहीं है। तो जी गरीब आदमी बता क्या करेंगे, क्या खाएं, क्या लें, क्या कमाएं। बिल्कुल देख सकते लोग यहाँ पर पहुंच जरूर रहे हैं मंडी में। देख सकते एक समय पर टमाटर 100-120 रुपए था, लेकिन अब प्याज पहुंच गया। अंकल जी क्या रेट प्याज का? 70-80 चल रहा है जी। तो जेब पर तो पूरा असर पड़ता होगा? तो पड़ता है, दालें भी 200 रुपए किलो महंगी होगा, बजट तनख्वाह भी बढ़ती नहीं, इनकम है नहीं, हर चीज महंगी होती जा रही है। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं। क्या रेट प्याज का क्या रेट हो गया? 70 रुपए किलो। तो ग्राहक पर तो असर पड़ता होगा? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत। दुकानदारी जैसे एकदम हो जाना मा जाना, बहुत फर्क पड़ता है दुकानदार को। वो भी सोचते बेटे कल तो 2 दिन पहले था, तूने कैसे बढ़ा दिया ये वो, बहुत सुनना भी पड़ता है, ग्राहक को सुनना पड़ते हैं, लेकिन हमारे में तो कोई वो नहीं है, इच्छा से। तो क्या कुछ कारण क्या लगता है इसका रेट बढ़ गया एकदम? इस टाइम हो के हर साल हो जाते हैं, जैसे टमाटर का हो गया, जैसे ये हो गई ना दीपावली आते आते ना, ये सब हो जाता। प्याज में सच में आंसू निकलवा दिए? तो बिल्कुल देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर कुछ पहुंची हैं। आंटी जी प्याज तो पहुंच गया 70-80 रुपए। प्याज ने तो आंसू निकलवा दिए दिवाली पे, प्याज तो ऐसे बस बहुत महंगे हो रहे हैं। पहले टमाटर रसोई का सारा, हाँ जी सारा बजट बिगड़ गया, सब कुछ बजट बिगड़ गया। तो लोग पहुंच रहे हैं मंडी में, लेकिन आते हैं टमाटर लेके चले जाते हैं, बाकी सब्जियां लेकर चले जाते हैं, प्याज क्योंकि प्याज का रेट पूछते हैं, लेकिन प्याज लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा असर जो उनकी जेब पर इस बारी पड़ता हुआ काफी ज्यादा नजर जरूर आ रहा है। बाकी तमाम चीजें महंगाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है, लोगों का कहना है तनख्वाह रुकी हुई है लेकिन महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराश जो है यहाँ पर मंडी पहुंचे हुए लोग काफी ज्यादा नजर जरूर आ रहे हैं। मुकुश तीजा हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से।